पिछले 32 दिनों से धरने पर बैठे 11 गांव के लोगों ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका। इससे पहले ग्रामीणों ने रोष स्वरूप सीएम के पुतले की शव यात्रा निकाली, जिसमें हजारों पुरुषों व महिलाओं ने हिस्सा लिया। धरोधी गांव के बस स्टैंड से सीएम के पुतले की शव यात्रा शुरू हुई। धरना स्थल के पास नरवाना टोहाना मार्ग पर शव का अंतिम संस्कार कर लोगों ने कहा कि आज से हरियाणा के सीएम हमारे लिए मर चुके हैं, इसलिए धरोधी माइनर के मुद्दे को लेकर अब हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। धरोधी गांव में चल रहे 11 गांव के लोगों ने रविवार को सरकार के खिलाफ एक अनोखा रोष प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को मृत घोषित करके शव यात्रा निकाली गई, जिसमें उपस्थित लोगों ने सीएम के पुतले की मौत पर मातम व्यक्त किया। वहीं महिलाओं ने सीएम के पुतले के आकस्मिक निधन पर हरियाणवी रीत के अनुसार शोक के गीत गाए। सरकार पानी नहीं दे रही जी, हमने 31 दिनों के जी आज बैठे अंदर ना पर। अगर सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगी जी, आज हमने मनोहर लाल खट्टर जी का पुतला भी फूंका है। ई पी बीमार तो कोई नहीं आया जी, ई लगता हमारा जी शांति दल ना था। सरकार ने हमें आग लगा के दिखा देंगे, जितनी माँ में लेडीज आनी मारे आदमी 100 में 90% जा लिए। मारा तो चूड़ी फूटने का भाई नहीं रहा, इब सरकार की जरूर फोड़ देंगे। अरे बैठी हैं हजारों हैं, मारा भीतर में इतना भाव हो रहा है भी मारे आदमी तो जा लिए कैंसर के कारण, कदे मारे बच्चे का भी ना हो जाए। खट्टर सरकार जे हमारी सुनती हो नहीं कड़िया तो मैम ने मारा माइनर बाकरा था जोड़ दो, इनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अगर मारा काली का रूप देखना चाहवा है या चंडी देवी का रूप देखना चाहवा है तो मजबूरी मैम ने सरकार मजबूर ना बनावा तलवार ठान खातर। प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर कह दिया कि यदि बुधवार तक सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तो बुधवार से सरकार के खिलाफ बड़ा फैसला लेकर आर पार की लड़ाई शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए खुद प्रशासन व सरकार जिम्मेवार होगी। हम लोग पिछले 32 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमें जहरीले पानी से छुटकारा दिलवाने के लिए हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन हम लोग धरोधी माइनर में बाकरा के आने के बाद ही अपना धरना समाप्त करेंगे। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, जैसा आप लोगों को पता ही है कि हम धरोधी गांव के धरने पे लगभग आज में 31 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन मनोहर लाल सरकार ने हमारी कोई भी सुध लेने का काम नहीं किया है। हम सरकार की इस नीति से भी बहुत ज़्यादा परेशान और हताश हैं। अब धरना दिन प्रतिदिन इस पर संख्या बढ़ती जा रही है, ये हमारे कंट्रोल से और कमेटी के कंट्रोल से भी बाहर होता जा रहा है। आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंकने का काम किया है और ठीक इसके 3 दिन बाद सात तो इसके फूल गंगा इसमें बाघरा माइनर के अंदर विसर्जन किए जाएंगे, और इसके साथ ही यहाँ पर बुधवार ने बहुत बड़ी खापों को न्योता दे के यहाँ पर बुलाया गया है। खापों के लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर और पब्लिक इकट्ठे होकर जो भी फैसला लेगी, चाहे वो रेलवे ट्रैक जाम करने का हो या फिर बाघरा माइनर को तोड़कर खुद अपने हाथों से लगाने का काम हो, ये पब्लिक ही करेगी। अब सरकार पे से तो हम लोगों का विश्वास उठ ही गया है। कंचन टीवी के लिए नरवाना से गुलशन चावला की रिपोर्ट।